अग्रवाल, कैसे हैं गाइज आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई डिश लेकर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या है वो नई डिश। आई होप कि आपको ये डिश बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज आप लोगों को तो पता ही होगा कि स्प्राउट्स हमारी हेल्थ के लिए कितने ज़्यादा अच्छे रहते हैं और इनको सुबह खाली पेट खाना चाहिए। ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं गाइज और हमारा वेट लूज करते हैं और खून भी बनाते बॉडी में। तो गाइज ये हेल्थ के लिए तो अच्छे होते हैं बट इनको भिगोकर खाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इनको स्प्राउट्स बनने में 4 दिन लग जाते हैं, 3 से 4 दिन। तो गाइज आज मैं आपको एकदम बढ़िया तरीका ऐसा बताऊँगी कि आप सिर्फ 6 से 8 घंटे में अपने स्प्राउट्स बनाकर तैयार कर लोगे। तो गाइज इसके लिए देखिए काले चने ले लेंगे और ये है मेरे पास साबुत मूंग, ये भिगे हुए मूंग है मेरे पास, मैंने रात को भिगो दिया था इनको और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी स्प्राउट्स नहीं है। और इसी तरह से मैंने चने भिगो दिए थे, मैंने धोकर भिगोया था। और अब ये जो रात का पानी है इसको भी निकाल देंगे और इसको 2 से 3 पानी और धो लेंगे। तो मैं इसको धोकर ले आती हूँ पहले। ये देखे गाइस मूंग और चने मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिए हैं। ये है कैसरोल जिसमें हम ये खाना वगैरह रखते हैं गर्म रखने वाला, इसमें रख देते हैं चावल चपाती वगैरह तो कई घंटे तक गर्म रहती है, इसी में हम बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने भिगे हुए चने डाल दिए इसमें, इसमें कोई कॉटन के कपड़े की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। और ये मैं मूँग डाल दूँगी इसमें तरह से लिपटा हुआ पानी में रख देंगे। तो इसको उठा के रख देते हैं हम। वैसे तो 4 घंटे बाद ही स्प्राउट्स बनने शुरू हो जाते हैं लेकिन 6 घंटे बाद बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो गाइस 2 से 3 दिन तक उठा के रखने की ज़रूरत नहीं होती हमें ये दालें, क्योंकि ज़्यादा दिन तक उठा के रखते हैं तो इसमें स्मेल भी हो जाती है गाइस थोड़ी थोड़ी गर्मी के कारण। कैसरोल में अगर हम बनाते हैं तो जल्दी बन जाते हैं और बिना टाइम के, बिना झंझट के, और बिल्कुल भी इसमें स्मेल भी नहीं रहती है। तो गाइज मैं आपको बाद में बताती हूँ कि हमारे स्प्राउट्स कितने तैयार हो गए थे। मैंने जो स्प्राउट्स बनाए थे अब मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से बन गए हैं। तो गाइज ये देखिए स्प्राउट्स हमारे बनकर तैयार हैं और ये देखिए कितने अच्छे स्प्राउट्स आ गए हैं। सिर्फ 6-7 घंटे मैंने इसको कैसरोल में रखा था। तो गाइज पूरी तरह से स्प्राउट्स हमारे बन गए हैं और जिस तरह से हम कपड़े में रखते हैं तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं बनने में। और जब स्प्राउट्स खाने का मन होता है तब तक तो ये तैयार भी नहीं होते हैं। और इस तरह से आप कैसरोल में रखकर बनाओगे तो बहुत जल्दी आपके स्प्राउट्स बन जाएंगे। और गाइज ये देखिए बन तो गए हैं और काफ़ी गर्म है ये, क्योंकि ये जो कैसरोल होता है अंदर से गर्म होता है। अगर आपको ये और रखने हैं तो 4-5 घंटे के लिए और रख सकते हैं। तो गाइज ये देखिए ये बनकर तैयार हो गए हैं बट ये जो मैं बता रही हूँ कि गर्म है थोड़े, क्योंकि कैसरोल काफ़ी गर्म होता है अंदर से। तो एक बार हम इनको फिर से धो लेंगे और इसको अब हम खुला छोड़ देंगे या किसी और बर्तन में निकाल लेंगे। और इनको थोड़ा वॉश भी करूँगी क्योंकि वॉश कर कर ही खाना चाहिए। तो गाइज देखिए हम इसको कच्चा भी खा सकते हैं, कच्चे तो सबसे बेस्ट रहते हैं, और थोड़ा स्टीम में पका कर भी खा सकते हैं अगर कच्चे जिसको पसंद नहीं। तो गाइज फिर बनाइए आप भी इसी तरह से कैसरोल में फटाफट से स्प्राउट्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज।